और चूंकि आदत तो वही पड़ी है गीत और कटपीस, गीत और कटपीस। सही। अभी जैसे योगेंद्र भैया ने, योगेश भैया ने ध्यान दिलाया कि देखो एक कटपीस एक कर्ज का, एक कटपीस एक गीत का कर्जा पड़ा है नीलम के लिए। तो मुझे याद आ गया कि यार अभी कर्जा पड़ा है कटपीस का। तो कटपीस सुनिएगा, बड़ा ही अच्छा कटपीस, आपको अच्छा लगेगा। जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और जो आने वाला हमारे यहाँ मेहमान है वो भी भूखा ना जाए, क्योंकि उसे पता है भक्त को कि भगवान के यहाँ बफर सिस्टम नहीं है। बफर सिस्टम में तो लोग थाली भर लेते हैं फिर खबे या ना खबे, वो कचड़े में डालना पड़ता है। इसलिए वो भक्त कहता है कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। एक पीड़ा बता रहा हूं, सुबह सुबह के वक्त एक पीड़ा है बांसुरी की। मुरली से कि तेरे प्यार का उतार तो गोखे पे आ जाएंगे। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूं, वफा कर रहा क्यों
श्री बोली क्या? मैंने सही ये दुसह बेदना बात। कोई तुमको दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो वो कहने लगी इसलिए क्यों कि हरी को बनाना मुरली धर चाहती हूं, हरी को बनाना मुरली धर चाहती हूं, चक्रधर के छूना दोनों चक्रधर के छूना दोनों ये अधर चाहती हूं। मैंने इसलिए कष्ट था, आखिर मैं भगवान के होठों तक कैसे पहुंच पाऊं? तो बगैर तपस्या के, बगैर संघर्ष के आदमी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करता। कोई कहे हम साधारण, कोई हमें संघर्ष न करना पड़े, हम कीर्तन गाने लगे, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगी। मैं दोनों कलाकारों को कहता हूं, अभी जो आपकी शुरुआत है, प्राथमिक स्टेज है, मेहनत करोगे तो नाम कमाओगे। बिल्कुल जैसे बांसुरी कहती है कि हरि को बनाना मुरली धर चाहती हूं, चक्रधर के छूना दोनों अधर चाहती हूं। और इतना भर नहीं, अब जो लाइन आ रही है इसमें ताली आना चाहिए। सारे सदन से मेरा निवेदन है कि अब ताली आना चाहिए। वो कहती है वेदना को सहकर सातों, क्योंकि जब छेदी जाएगी वो बांस की लकड़ी, तो वो कहती है वेदना को सहकर सातों स्वर चाहती हूँ, वेदना को सहकर सातों स्वर चाहती हूँ, और स्वर से ही पाना मैं ईश्वर चाहती वाले कंजूसी कर रहे हैं, जोरदार बजाइए। तो बेटी जी आ रहे, इसका मतलब नहीं है, समय का है चक्र। आइए, जब तक आते हैं तब तक आइए। कबीरा जब हम चलो
कि हम हंसे जग जग रोए। चदरिया हीनी रे बोलिए कन्हैया लाल की जय। आइए